जामियतुर रशीद के उलमा भी अल्हम्दुलिल्लाह आपसे आपको खास तौर पर मोहब्बत करते हैं, मुफ्ती बाबा साहब भी मिलते रहे हैं, मुफ्ती इब्राहिम साहब ने भी पैगाम दिया आपको नाम, तो आपको सब वहाँ बुलाने और पाकिस्तान के दीगर उलमा भी, वही आपका प्रोग्राम है फ्यूचर में, पाकिस्तानी आवाम तो आपको कंधों पर उठाएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जब तकरीर करने के पहले मैं एक बार आया था 1991 में, अच्छा तकरीर नहीं करता था। उसके बाद आप जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो जो तनाव है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह इरादा है कि इंशाल्लाह काफी, सबसे ज्यादा मुझे इनविटेशन तो दावत है वो पाकिस्तान से, तकरीबन मे भी 500 के ऊपर पेंडिंग है पाकिस्तान से, इंशाल्लाह इरादा है इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान। तो आपका जो अभी एक इदारा है, आपने बताया 15 साल वो सिलेबस है आपका 3 ईयर्स का, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो, उसमें एडमिशन क्या क्या तरीका है, दूसरे मुल्कों से लोग भी आ सकते हैं उसमें, कितनी उम्र के बच्चों को लिया जाता है उसमें, ये थोड़ा सा अगर वो हमारे जो स्कूल हमने शुरू किए थे 2001 में जी, तकरीबन 18 साल पहले, उसका मेन मोटो था कि तालीम दोनों जाके, मतलब एक एक बच्चा तालिब इल्म जब ज्वाइन करता है स्कूल में तो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम। अफसोस की बात है, जब मैं शुरू किया था 18 साल पहले तो कई उलमा ने कहा मुमकिन ही नहीं, कम से कम दुआ तो कीजिए, ठीक है मुश्किल है जानता हूँ, लेकिन हम दुनिया दोनों तालीमात हाँ एक साथ लेके चल, हाँ तो मैं मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन कई उलमा जो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे मोहब्बत करता हूँ, वो बोले आखिर भाई ये मुमकिन नहीं है, बहुत बड़ी कोशिश की, मैं दुआ तो कीजिए। हमें भी यही कहा था शुरू में, हमने भी 19 साल पहले शुरू किया जी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की काफ़ी मदद रही। हमारा मेन मकसद है कि ऐसी जो आम तालीम आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे मशहूर अभी आज की तारीख में कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज को तो दुनिया में सबसे मशहूर है, तो हम चाहते हैं कि अगर बच्चा पास हो ही ले तो ऐसा ना कहेगा कोई मुसलमान इदारा है या कोई हिंदुस्तानी है, तो वो अगर पास नहीं हुआ तो ए लेवल यू गेट डिग्री फ्रॉम यूके, इट विल बी एक्सेप्टेड मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये नंबर वन था। उसके साथ साथ दीनी तालीम, हमारा ये मकसद था कि बचपन में जब बच्चा दाखिला लेता आया 3 साल में तो मेन जोर उनको दो जबान पर दिया जाए, इंग्लिश और अरबी, तो ये उनकी दो मातृ जबान हो, तो अक्सर लोगों ने कहा मुमकिन ही नहीं है, हमने कई उलमा से मुलाकात की, फिर हमें लगा कि जो लोग गल्फ कंट्री में रहते उनको और महारत है मोटा फंसा बनस्बत, बाकी लोग समझ लेते, लेकिन हमने वो उस्ताद रखे जो फारिग थे मदीना से, इमाम से, वो उस्ताद रखे। अभी कितने 2000 से ये इंस्टीट्यूट चल रहा है? 2000 से शुरू हुआ था, और जब शुरू किया तो सिर्फ 4 क्लासेस शुरू किए थे, नर्सरी जूनियर के जी सीनियर के जी फर्स्ट और ए लेवल तक के, तो तकरीबन अभी 6 बैचेस शायद पास होंगे, 6 आसान। तो मेन मकसद था कि वो पास होने के बाद दोनों तालीम दें, तो तकरीबन 5वीं तक बच्चा पूछता है तो हासिल करना होता है, 1/3 लोग कम्प्लीट करते हैं। एडमिशन का क्या तरीका है? अगर एडमिशन का हमारा क्राइटेरिया ये नहीं था कि आप अच्छे नंबर से पास हो, क्राइटेरिया था पैशन के वालदेन में कितना पैशन अपने बच्चों को दाई बनाने के लिए। हम टेस्टिंग सब करते थे, मेमोरी टेस्टिंग करते थे, आईक्यू टेस्टिंग करते थे, यहाँ तक के 80 IQ वाले जो बिलो एवरेज थे उनको भी एडमिशन दिया, क्योंकि वालदेन का पैशन था, तो हमारा ये मकसद नहीं था कि सिर्फ IQ वालों को लें, अच्छे लोग भी थे वहाँ, और फीस हाई थी तो 1/3 लोग फ्री थे, तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो 1/3 लोग जो थे वन थे ऐसा फ्री थे, और जो अफोर्ड कर सकते थे तो अच्छी चीज देते थे, लेकिन मकसद था कि उनको महाराज अंग्रेजी और अरबी जबान पे और कुरान हदीस शरिया के साथ में पढ़ाए, फ्रॉम द एज ऑफ 4, 4 साल की उम्र से पब्लिक स्पीकिंग सिखाए थे इंग्लिश में, और 6 साल की उम्र से अरबी में पब्लिक स्पीकिंग। 1/3 लोग जो सिलेक्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी वो 5वीं इंटर करने के पर हाफिज कुरान होते हैं और फिर मुराजा करते 4 साल तक, उसमें से कुछ लोग को चंद लोग को चुनते तकरीबन 10 से 20% जो हाफिजा के अलावा आज कोर्ट कर सके एनी कुरान, वो शुरू करे अगर कुरान पढ़ने के लिए फजर नमाज के बाद तो असर तक के इंशाल्लाह काम करे बसर नमाज के लिए, तो विद इन 7-8 आवर्स वो पूरा मुकम्मल विदाउट स्टे, तो चंद लोग को हाफिजा में करते थे, एंड देन वी टू टीच कंपैरेटिव स्टडीज तक अध्ययन, जिसके अंदर क्रिश्चियनिटी हिंदुइज्म बुद्धिज्म, और हर बच्चा 36 तक पूछता है वो ब्लैक बेल्ट होना जरूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर कमजोर है तो वह 7वीं में होगा कंपल्सरी, ब्लैक बेल्ट इन मार्शल आर्ट्स इन कराटे जूडो कंपल्सरी, तो स्विमिंग कंपल्सरी थी उसमें, और हमारा ये मकसद था कि स्विमिंग मार्शल आर्ट्स कंपल्सरी, हाफिजा कंपल्सरी नहीं था लेकिन 5 जूस कंपल्सरी थे, कुछ लोग फुल, अगर हमें लगेगा ये हाफिजा करने के
इतना मुमकिन नहीं है, तो जबरदस्ती नहीं करते। हमारे नजदीक दाई बनना, आलिम बनना और इम्पोर्टेंट हाफिज है, लेकिन हाफिज बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वी यूज्ड टू पे अटेंशन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो बच्चे एट द एज ऑफ 4 से तकरीबन 1,000, 5,000, 10,000 के सामने तकरीर करते थे। हमारे कॉन्फिडेंस जब होते थे उनको मौका देते, मौका मिल जाता था। हमारे बच्चे माशाल्लाह कई उलमा जो दुनिया भर से आते थे, मुलाकात होती थी सऊदी से हो बाकी ममालिक से, इंटरेक्शन होता था। और इंग्लिश और अरबी के अलावा हम सिखाते थे उर्दू, हिंदी और मराठी। ठीक, उर्दू जबान भी बात करते उर्दू और हिंदी को, क्योंकि बचपन में जबान सीखना आसान है। बच्चों को 5वीं जबान सीखाओ आराम से आसान है, बड़े होने के बाद सीखना मुश्किल है, और खसूस अरबी बड़े होने के बाद मुश्किल है, बचपन में आसान हो जाता है। उर्दू जबान क्योंकि अरबी के बाद मेरे नज़दीक उर्दू में सबसे ज़्यादा मवाद है इस्लाम का, है नंबर 1 अरबी में, फिर उर्दू में, और वो हमारी मादरी जबान है अक्सर लोग। मैंने आपसे मुस्तकिल ये सवाल पूछ रहा था कि आपकी मदर लैंग्वेज क्या है। तो मदर लैंग्वेज के दो रीज़न होते हैं, एक होते हैं मादरी जबान के दो मानी होते हैं, एक मानी जो आपकी वालदा बात करती है, जो घर में बात करती है, और एक होता है जिसपे आपको महारत है। तो एक है साइकोलॉजिकल मदर टंग, और एक होता है आमतौर, आमतौर पर हम कहेंगे हिंदी उर्दू बात करते हैं, वो आपके ज़बान में आता है। वैसा देखी जाओ तो जो जिस ज़बान में ख्वाब देखता है ना इंसान, या डिबेट या लेक्चर दे सके, तो सबसे ज्यादा अच्छी ज़बान तो जो महारत मुझे वो तो अंग्रेजी ज़बान, लेकिन ये कहना अंग्रेजी ज़बान मादरी ज़बान है। अभी पहले अभी आप देखिए तो बच्चों के साथ आज की तारीख में ज्यादा अंग्रेजी बात करते, हिंदी बात करते, हिंदी उर्दू 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 हिंदी मिक्स है हिंदुस्तानी, लेकिन बतना मेरे बच्चों को ज्यादा महारत है अंग्रेजी में नंबर 1, फिर अरबी, फिर उर्दू, क्योंकि लेक्चर देने बोलेंगे अंग्रेजी में एकदम आसानी दे सकेंगे, अरबी में भी दे सकेंगे, उर्दू में मुश्किल के साथ जरा बात कर लेते हैं। हम तो बड़ी फ्लुएंटली उर्दू बोलते हैं, बहुत रवानी। नहीं नहीं नहीं, फ्लुएंटली नहीं होता, वो तो अभी मजबूरन बात करने पड़ा, तो बात में आप बोल सकते हैं मुंबई की उर्दू, लेकिन एक चीज़ लोग को समझ में आती है। नहीं हमें तो मैं जब लखनऊ गया था कहा था मेरे, मैं उर्दू में उस टाइम तकरीबन दूसरी तीसरी बात तकलीफ कर रहा था, मैंने बोला मैं लेक्चर के बाद में पुलिस कंप्लेंट मत करना, मैं कंप्लेंट करने के उर्दू जबान का मर्डर कर लिया। तो हर तकरीर में आज भी हमेशा में भी एक लफ्ज दाएं बाएं आपसे हो गया था जिसपे बहुत बड़ा इशू बन गया था। हाँ वो जबान के लचक की वजह से जी, वो कभी अगर तो जो जिस तरीके से एहतराम से बात करना चाहे अंग्रेजी अंग्रेजी में महारत है, उर्दू में तो हम बात कर लेते बट नॉट फॉर, एक होता है जो जबान में आप तकरीर कर सकते, उर्दू हम तकरीर में कर ही नहीं सकता था, लेकिन लोग ने जब मोहब्बत की वजह से इधर जाके कीजिए तो हमने शुरू किया। मेरी अहलिया की उर्दू माशाल्लाह फंसी है, मेरी अहलिया शादी के पहले सिर्फ बात करती थी उर्दू में, तकरीर करती थी फॉर दीनी तकरीर, लेकिन शादी के बाद अंग्रेजी में भी कर। जैसे आप उर्दू को मजहब के लिहाज से अहमियत देते हैं कि यानी एक इस्लामिक स्कॉलर के लिए उर्दू आना इसकी कोई वैल्यू है? मेरे नज़दीक सबसे अहम इस्लाम अरबी है, अरबी वो तो है, वो तो सब मानते हैं, ये मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में रहे या पाकिस्तान में तो उर्दू अहम है, अरबी और इंग्लिश तो वो तो उसमें तो दो राय नहीं हो सकती, वो तो इंग्लिश बैलोमामी जबान है और अरबी नहीं। उर्दू में तहकीक दीनी तहकीक करने के लिए नंबर 1 अरबिक, फिर उर्दू, फिर इंग्लिश। तहकीक नहीं, जो जो एक स्पीकर होता है, स्पीकर, हाँ स्पीकर में आप ऊपर आप कौन से मुल्क में रह रहे हो इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप चाइना में रह रहे तो वैल्यू नहीं, चाइना में इंग्लिश बोला नहीं समझे ना, तो चाइना में अगर रह रहे या ऐसे जगह रह रहे इंग्लिश में, आप कोई अगर साउथ अमेरिकन कंट्री में जाते हो फ्रेंच बात करते तो ओवरऑल जनरली ये। आपने भी बताया ना अरबी के बाद इस्लाम में उर्दू। हाँ मैं चाहूँगा मेरे बच्चों पर महारत दोनों पे, और अगर आप एक जबान चुनने के लिए कहूँगा तो मैं कहूँगा अरबी, मैं चाहूंगा तो, और फिर तीसरी दफा में भी तो उर्दू, लेकिन उर्दू में तो माशाल्लाह काफी मुकर्र है, तो उर्दू में जरूरत नहीं मेरे साथ, आप जैसे लोग हैं तो उर्दू में जरूरत है, तो मैं कहूंगा कि अंग्रेजी में और जरूरत है, तो उर्दू में तो कई उलमा है सैकड़ों हजारों है। जो इर्द गिर्द जितने भी लोग अभी हमें मिले हैं, मैंने कॉन्टेक्ट किया तो वो भी पाकिस्तानी निकले, वो भी पाकिस्तानी, असलम साहब ने अभी तक पाकिस्तानी, असलम साहब ने मुलाकात करवाई थी, उन्होंने भी आना था, शायद उनकी भी मसरूफियत होगी, वो भी आगे चले, उसको पता नहीं पाने वाले, वो आगे चले गए। हाँ, पता, 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 कोई खास पैगाम आप
खास तौर पर वाइजीन जो हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया के जो वाइजीन है मेरे जैसे जो नालायक लोग, खास पैगाम आप देना चाहेंगे यानी इस हवाले से कि भाई हमारी स्पीचेस में कौन सी ऐसी चीज है जो जिससे नेगेटिविटी फैलती है या वो नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कोई चीज आपने वाइजीन में महसूस की? एडवाइस देने की जरूरत है आपको, जानते हो उसको, लेकिन आमतौर पर मैं कहूँगा कि आज की तारीख में मुसलमान के इतने दुश्मन है ऑलरेडी, हम आपस में मुसलमान झगड़ा नहीं करना चाहिए, कोई भी तारीख हो चाहे वो इदारे के अंदर जो इदारे झगड़ा कर रहे हैं या कोई फिक्की मसले पे कर रहे हैं या यू नो तो है, सो वी शुड अग्री टू डिफर, इतने बड़े-बड़े दुश्मन दूसरे ऑलरेडी है, तो मुसलमान ये जो डिफरेंस को वी शुड अग्री टू डिसएग्री, मतलब अगर 10 चीज है हम 8 चीज में कॉमन उस पर बात करो, 2 चीज में डिफरेंस पे झगड़ा करें, लाइक कल जब आपके आए तो उलमा पाकिस्तान से एक्सपेक्ट तो नहीं सकते मुझसे सवाल किया गया, आप काफी मशहूर है अपने लोगों से तारीफ की, लेकिन जहाँ तक के लोग को एतराज है कि आप फिकी मामले में, तो मैंने कहा मैं हर फन का एक एक्सपर्ट होता है, एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, एक ब्रेन स्पेशलिस्ट है, एक एनोबॉलॉजिस्ट है, आप हार्ट स्पेशल की बात करो, ब्रेन से हार्ट स्पेशल ब्रेन की बात करें वो कहेगा नहीं वो एक्सपर्ट नहीं है, हर फन के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो एक्सपर्ट है आप लीजिए, बाकी चीज में उनको थोड़ी नॉलेज होगी बट ही वाला एक्सपर्ट है, कुरान क्या तो फसल वाले जो हर फील्ड में माहिर है, और हमें ये मानना चाहिए कि अगर हम अक्सर जो मुसलमान कहते हैं हम ही सही है, मैं कहता हूं कि हम भी सही है, ये ही और भी में फर्क है, और मैं मिसाल देता हूँ कि अंग्रेजी जबान की 2 जो सबसे मशहूर अंग्रेजी जबान है वो एक ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिकन इंग्लिश, मैं पूछूंगा व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कलर, तो ब्रिटिश बोलेगा कलर की स्पेलिंग है COLOUR, अगर अमेरिकन तो पूछूंगा तो अंग्रेजी बोलेगा COLOR, तीसरे आदमी से पूछो कौन सा सही है, दोनों सही, अपने दोनों सही है, अब ब्रिटिश तो मुझे बोलेगा नहीं सही हूँ लेकिन वो भी अपने, तो अगर सिख के अंदर फर्क होता है चाहे हनफी मसलों का शाफी मसलों हो या सलफी हो, तो उसमें हम उलमा क्यों झगड़ते हैं, या उलमा यहाँ पब्लिक, तो इंग्लिश में वो इंग्लिश में हम बोलता है कि COLOUR भी सही है, COLOR भी सही है, वो थोड़े बोलेगा कि वो आर बोला गलत है, उस पर तनकीद करेगा, उसको कहेगा तुम इंग्लिश जानते ही नहीं या तुम काफिर हो, तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने वाले हैं, जो आपने फरमाया ना कि वी शुड एग्री टू डिसएग्री, हां अग्री टू डिसएग्री, इख्तलाफ राय का तहम्मुल पैदा हो, बिल्कुल, और ये मैं ही सही हूँ प्रॉब्लम है, मैं भी सही हूँ, ही तो अल्लाह ही है, ही तो अल्लाह अल्लाह के रसूल है, तो ये अगर हुआ तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह भी काफी बदलाव आ रहा है माशाल्लाह, और वो लोग अब एक दूसरे को देख के तनकीद करते हैं कि मेरे हिसाब से और कोई आदमी परफेक्ट नहीं और मैं तो परफेक्ट हुई नहीं, मैं कभी कहता भी नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि मुसलमान अगर एक हो, और डिस्टेंसेज होने वाले चाहे दावती मैदान में हो चाहे फिकी मैदान में हो चाहे इदारे हो, लेकिन वी शुड बेनिफिट ईच अदर जिस तरीके से एक दूसरे का ताउन कर सके, आखिर में सब और सब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम सोसाइटीज इस वक्त पहले से ज़्यादा इंटॉलरेंट हो रही हैं, पहले से ज़्यादा अदम बर्दाश्त और ये ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी क्या वजह है और इसके सद्देबाब के लिए, यानी वो एक तो होती है ना जाहिर की बात है अवामिल क्या है जिनको कवर करना चाहिए कि मुस्लिम सोसाइटीज़ में इतनी रिजिडिटी जमूद सख्ती क्यों आ रही है इतनी? आपका सवाल का जवाब है कि क्यों आज नॉन मुस्लिम हमें ऑल इंटॉलरेंट है एज़ कम्पेयर टू बिफोर, इसका जवाब है मीडिया, मीडिया जो गलत फहमी इतने इतने बड़ी तादाद में फैला रहा है, ये आपको मीडिया टुडे मीडिया और एक बैंक दो चीज़ें पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है मनी पावर सारे मीडिया से, तो मीडिया से जो गलत फहमी फैला रहे, अभी देखिए इंडिया में प्रॉब्लम हुई था वो 3 साल में सबसे बड़ा डर है इंडिया में, ठीक है मीडिया, तो हमें मीडिया का मीडिया के जरिए इस्लाम का सही पैगाम पहुंचाना चाहिए, वो बहुत 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 अहम है, तो जितना इन लोग नेगेटिव इस्लाम के बारे में कहते हैं उसके हम जवाब देखो माशाल्लाह कई उलमा है वैसे जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसको किस तरीके से फैलाए, और एक आम दाई का काम है क्या उलमा और शेख से सीखे और अवाम तक पहुंचाए, क्योंकि एक स्कॉलर जो है ही मे नॉट बी डाइजेस्टेबल, मीन्स ही मे एक तो स्कॉलर जो बात करता है अवाम
उसे इतना पसंद नहीं करेंगी, वहीं से ही मे नॉट नो हाउ टू मेक इट एक्सेप्टेबल टू दावा। तो दाई का मकसद काम ये है कि आलम से सीखिए और आवाम को पहुंचाए। दाई इज नॉट आलम, दाई इज अ तालिबे इल्म। तो दाई का काम है तालिबे इल्म हो, आलम नहीं है। आलम से सीखिए और किस तरीके से उन्हें एक्सेप्टेबल बनाए आवाम के सामने। एंड प्लस यूज द मीडिया, कोई भी मीडिया हो, अक्सर मीडिया हराम है, जानते लेकिन उसको हलाल, मीडिया हराम नहीं है, मीडिया पे हराम चला रहा है, मीडिया फिर उससे हराम नहीं, लेकिन अक्सर चीज तो मीडिया पे आ रहे हो हराम, तो क्यों ना उसे इस्तेमाल करे। और जिस अल्लाह के रसूल की हदीस है कि इंशाल्लाह हर घर के अंदर इस्लाम है। तो आजकल जो आप पर इतनी सारी पाबंदियां लगी हुई है, इन दिनों में आपकी इसकी एक्टिविटीज है ज्यादातर क्या? नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से मलेशिया हिजरत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन जहाँ तक कि मेरी खुसूसन जिंदगी में काफी तब्दीली है, ईमान और बड़ा मेरे हिसाब से, इबादत बड़ी, जो वक्त माने होता था अल्हम्दुलिल्लाह, फराइज तो करते थे वो मुस्तब भी करते थे, लेकिन जो ख्वाहिश थी और करने की और हो गई। नमाज पहले एवरेज में 3-3.5 घंटा जाता था, पूरे 5 टाइम नमाज और ताजुद और सलात दुआ में, अभी 4.5 घंटा जा रहा है। पहले तकरीबन 3-3.5 घंटा सोते थे, अभी 4-4.5 घंटा सोते, 1 घंटा ज्यादा सोते। और जो दावती मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह की फजल से, अल्लाह की मदद से काफ़ी काफ़ी लोग तक पहुँच रहा था। यहाँ आने के बाद जरा जो चीज़ वहाँ इतने मशगूल थे हम दावती मैदान में, जो चीज़ हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात नहीं कर सकते थे, चाहे वो पैलेस्टाइन इशू हो, चाहे बीकर मुस्लिम का इशू हो, चाहे कश्मीर का इशू हो, तो यहाँ आने के बाद वो अलग दुख हुआ। काफ़ी पॉलिटिक्स में मुलाकात हुई, पॉलिटिक्स में इंटरव्यू का कोई खाब नहीं ना अपना इरादा है, लेकिन वो एक अलग वे है और उसकी वजह से माशाल्लाह काफ़ी ऐसे पॉलिटिक्स से मुलाकात होती थी कि दावती मैदान में। अभी मुलाकात हो रही है जो अलग मकसद से, चाहे वो मालिक है। और अभी आप देख रहे हैं कि मुसलमानों की हालत गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, बस से बदतर हो रही है। जब तक मुसलमान एक नहीं होंगे, आज के हालात देखिएगा, मुसलमान और हमारे जो मुसलमान पॉलिटिशियन है वो दीन से बहुत दूर है। हम हमारी दुआ की उलमा करें कि मुसलमान पॉलिटिशियन को इस्लाम में करीब लेके आए, और मुसलमान एक हो तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं चाहती। लेकिन हर पॉलिटिशियन अपनी सोचता है, अपनी गति की सोच रहा है, अपनी सीट की सोच रहा है, क्या फ़ायदा होंगे दुनिया में, आखिर उनका सोच रहे हैं। और देखिए आजकल हिंदुस्तानी हालात क्या हालत है, जितना इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर कश्मीर में हो रहा है, और कोई बात ही नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहे तो अल्लाह ताला माफ़ करेगा। हालांकि उनकी हदीस से हाथ से रोको, हाथ से नहीं हो सके तो जबान से रोको, जबान से नहीं तो उसके दिल में कोसो। तो अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे तो भी अल्लाह माफ करेगा, लेकिन आप उनका साथ दे रहे। और उल्मा हजरत तो खून के आंसू होने लगता है कि क्या हालत है आज कि इतने हम कमजोर पड़ गए कि अल्लाह पे भरोसा नहीं, कि हमें गैर मुस्लिम क्या साथ देने पड़ रहा है अल्लाह के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, चाहे चाइना में हो, बिगर मुस्लिम की क्या हालत हो रही, कोई बात नहीं कर रहा। वो देख रहा है बात करूँगा तो अभी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद वो दूसरा रुख, उसके वजह से काफ़ी और दुश्मन बढ़े, दुआ भी और आने लगे। यहाँ भी जब मैं जाना के खिलाफ बात किया तो काफ़ी यहाँ सुबह उठ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नजदीक अमंगस्ट ऑल जितने मुस्लिम ममालिक है, बेस्ट ऑफ द वर्स्ट इज मलेशिया, बेस्ट ऑफ द वर्स्ट, बेस्ट ऑफ द वर्स्ट। उसकी कई वजह, एक वजह क्या, मलेशिया इज अवे फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड का जो दबाव है वो मलेशिया का। नंबर टू इज अवे फ्रॉम द वॉर जोन, वो जो वॉर जोन जो है ना हर का गल्फ कंट्री में सीरिया या मेरे सब, तो अवे नंबर टू। नंबर थ्री, मलेशियन पासपोर्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मुस्लिम पासपोर्ट इन मलेशिया, मतलब जो मुसलमान जितने ममालिक है ये वाहिद मुस्लिम ममालिक है जिसमें 180 ममालिक आप जा सकते हैं विदाउट वीजा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मुस्लिम पासपोर्ट है नंबर फोर है। और बिकॉज इज अवे फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो मुसलमान का जो जज्बा है माशाल्लाह दीन की तरफ, वो आम बाकी जो गैर अरब ममालिक से ज़्यादा है। और यहाँ देखे जाओ तो बिदात भी जो हाई लेवल की कम है कुछ है, जो
हमें खबर पड़ती नहीं है, माशाल्लाह अच्छी बात है, और काफ़ी फिके अपने कोई एतराज़ नहीं अलहमदिल्ला। तो यहाँ भी और यहाँ आप देखेंगे जितने अभी ममालिक है, मेरे नज़दीक मलेशिया सबसे ज़्यादा जो उलमा आते हैं, चाहे अंग्रेजी ज़बान के हो, उर्दू के भी हो, या मलेशिया में आए माशाल्लाह, चाहे अमेरिका से हो, चाहे यूरोप से हो, हर साल माशाल्लाह हर हफ्ते आप देखिए कौन ना कौन तकलीफ कर रहा है, तो वो फ्रीडम यहाँ है। हम भी यहाँ पर जो मौलाना करीम सिद्दीकी साहब का भी तरबियती प्रोग्राम था, तो उन्होंने भी मलेशिया का इंतखाब किया जी, उसको पता था यहाँ सबके लिए ट्रैवल करना आसान होगा। तो यहाँ मेरे हिसाब से मेरी बात चल रही है, मेरे खिलाफ काफी लोग तो मेरे को छोड़ के हम लोग के लिए बहुत अच्छी, आम मुकर्रीन या दाई हो उनको कोई छेड़ेगा नहीं। मेरा मेरी बात अलग है, मेरे तो दुश्मन बहुत है, यहाँ के जो हिंदू लोग हैं लोग हैं वो तो मेरी बात अलग है, क्योंकि मैं दावती मैदान में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं हूँ। तो बाकी लोग के लिए, बाकी लोग के लिए मलेशिया बहुत अच्छा है, बाकी दाई के लिए अच्छा है दावत, मेरा क्योंकि डायरेक्ट तक अंजान है, मैं कुछ खिलाफ बात नहीं करता लेकिन उसके वजह से, लेकिन आम देखिए ये जो आपके साथ अल्लाह की मदद हुई ना, जो गैर मामूली हाफ़िज़ हमने बचपन में उलमा से सुना था कि जिस चीज़ की जब ज़रूरत होती है तो फिर अल्लाह मोजज़ाती तौर पर ऐसे लोग पैदा करता है, जैसे जब हदीस को जमा करने की ज़रूरत थी तो गैर मामूली हाफ़िज़े वाले मुहद्दिसीन पैदा किए, अगर वो ना होते तो हदीसें जमा नहीं होती। मुश्तहिदीन की जब ज़रूरत थी तो गैर मामूली सलाहियतों वाले अल्लाह ताला ने मुश्तहिदीन पैदा किए, तो उन्होंने फिर इख़ाबो मुदव्वन किया, उस वक्त ज़रूरत थी वरना ये सब ज़ाया हो जाता। तो अब गैर मुस्लिमों से दलाइल से इतनी मजबूत मजबूती के साथ बात करना, पूरे पूरे रेफरेंस के साथ, पूरे पूरे हदीस नंबर के साथ और उनकी किताबों के सफ़े, तो इसके लिए इसी किस्म का हाफ़िज़ा होता तो ये काम चल सकता था आगे। तो वो उसी की तस्दीक होती है जो हम उलमा से सुनते थे कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो, क्योंकि अल्लाह ने इस्लाम को रखना है क़यामत तक के लिए, तो शायद यही वजह होगी मेरा ख्याल है जो अल्लाह ताला ने आपके साथ इतनी मदद की है।